और नजर आप वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और अपने हाथों को ऐसे जारी रखिए वेरी नाइस कम ऑन स्टार्ट नो रोके मत डोंट स्टॉप मैं अनाउंस करने जा रहा हूं आपकी पुरजोर तालियों में एक ऐसे फनकार को जिसके गीत ने बड़ी उधम मचा रखी है आजकल बड़ा ताबेदार बड़ा प्यारा बड़ा स्टाइलिश अपनी वीडियो को बड़ा स्टाइलिश बनाया आप प्रीति होटल के नाम से आपने उसे देखा लेकिन नाम उसका पीला जिया कुर्ता कुर्ता पीला जिया ऐसे कह लो कुर्ता तो पीला ही है आपकी भरपूर तालियां तनवीर अफरीदी कैसे हो बहुत शुक्र अल्लाह का बड़ा यार तुमने स्टाइलिश गेटअप किया कसम से ये बड़ा खूबसूरत स्टाइल है मुझे ये पता नहीं किसी फिल्म में था एक टीचर होता है वो स्टूडेंट्स का कत्ल करता है मजाक नहीं एक बड़ी पढ़ी लिखी फिल्म थी तो नाम पता क्या पता नहीं उसका नाम था टीच मी टीच मी में जैसे हीरो हैं आप या आपने स्टाइल कहीं से लिया या खुद क्रिएट किया उमर भाई ये इस वीडियो के जो डायरेक्टर हैं सादिया जब्बार उन्होंने 6 महीने का मुझे टास्क दिया था बाल लंबे करने के लिए और थोड़ा वर्कआउट करने के लिए अपने बॉडी वगैरह को करने के ये सब क्रेडिट जो है वो सादिया जब्बार का है सादिया जब्बार बहुत अच्छा किया आपने इस बंदे की हालत ही बदल दी आपने सोचो आप उनके जानने वाले हैं सिर्फ वो घर में किस चीज़ के रूप बदलती होंगी सादिया जब्बार वो अपने हस्बैंड का रूप बदलती होंगी और माशाल्लाह एक हमारे मीडिया लेजेंड हैं चौधरी अब्दुल जब्बार उनकी साहबजादी हैं और NCA से पढ़ी हुई हैं माशाल्लाह तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं उन्होंने मेरा थर्ड वीडियो उन्होंने मेरा किया वेरी गुड यार बहुत अच्छा वीडियो मुझे पसंद आया अब मैं जिस दोस्त को अपने बुला रहा हूँ ये एक ऐसे फनकार हैं जिनके बारे में मैं समझता हूँ कि ये खुद एक अपना उनका नाम ही उनका तारुफ बन चुका है अब क्योंकि वो बड़ी ही मोहब्बत से प्यार से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और जितने खुलूस से वो हमारी इस प्रोग्राम में आए हैं मेरी सालगिरह में आए मैं यकीन कीजिए मुझे उनसे पहले तो बड़ी रग़बत थी चाहत थी मोहब्बत थी अब मुझे उन पर प्यार भी आने लगा है कि यार ये कब से बैठे हुए हैं सिर्फ मोहब्बत में बैठे हुए हैं और यहाँ कोई रिश्ता नहीं है सिर्फ मोहब्बत का एक रिश्ता कायम हुआ हुआ इस ऑडिटोरियम में और यहाँ से वहाँ तक सिर्फ मोहब्बत और कुछ भी नहीं है तो इनका खलूस इनका प्यार इनकी मोहब्बत अपनी बहुत सारी मसरूफियत में से वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए हैं मैं इनका बहुत मशकूर हूँ और इन्होंने पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक बड़ा नाम पैदा किया है और अपने स्टाइल से मुनफरद अंदाज में तशरीफ लाएंगे जनाब काशिफ खान काशिफ बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए शुक्रिया तो आपका कि आपने अपने बर्थडे को इतना अच्छा सेलिब्रेट किया कि पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को साथ में ला लिया और होता ये कि जब कभी हम घर में मनाते हैं तो लगता है हमें कि घर वाले हमारे साथ हैं लेकिन जब आप ऑन स्क्रीन अपने एक मकबूल शो में मना रहे हैं तो पूरी दुनिया की दुआएँ आपके साथ हैं तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा उम्र दे बल्कि उमर साहब की उम्र को और दराज करे थैंक यू मैं कहता हूँ कि आप कम उम्र लग रहे हैं आप तो क्या करूँ शहजाद जैसा लगूं क्या करूं क्या बताओ क्या करूं शहजाद जैसे शहजादे जैसे लगे शहजादे जैसा लगूं वो तो मैंने कोशिश करी आज बल्कि शहजादा नहीं शहजादा काशिफ आप बहुत अच्छा बोलते हो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हो कैसे रहे आपके तजुर्बा जिंदगी के बाहर के मुल्कों में जा करके यकीनन बहुत अच्छे रहे और ये बात तो मैं खैर बरमला कहता हूँ कि जब हम हिंदुस्तान गए मुझे ये लगता है कि अलग शुक्र ये था कि जब कॉमेडियंस जाना शुरू हुए तो मैं पहला आदमी था जो वहाँ गया और वहाँ जाकर ये एहसास हुआ कि वो ना मीरा रीमा साहिबा रैम्बू रेशम जावेद शेख किसी को नहीं जानते थे वो सिर्फ एक ही नाम जानते थे यार उमर शरीफ हिंदुस्तान वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं इस बात पे शुक्रिया नहीं बल्कि शुक्रिया मैं आपको अपने काम का भी करना चाहिए नहीं बिल्कुल क्योंकि जो काम आपने किया करके दिया वो पूरी नस्ल के लिए मशाल रहा है और अब हम ये कहते हैं कि लोगों से कि जब हम निसाब मुरतब करें अगर कॉमेडी का क्योंकि कॉमेडी आजकल जो थोड़ी सी आपे से बाहर कुछ बदतमीज़ी की तरफ गामजन है चली गई बिल्कुल तो हमारा ये ख्याल है ज़ाती तौर पे कि अगर निसाब मुरतब करें तो वो लोग जो अच्छी अच्छा मिजाज लिखने वाले हैं उनको पढ़ाया जाए और आपके जो प्लेज़ हैं जिसमें इखलाकी इख्तार का हमेशा ख्याल रखा गया
वो ज़रूर दिखाए जाएँ कि जब बा अदब और बा तमीज़ लोग होते थे और छोटी छोटी सी बातों पर भी ऑडियंस हंसा करती थी। और यकीनन जब परफॉर्मर होता है तो उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो इतना डेवलप हो जाता है कि वो अच्छी और बहुत सुथरी बात पे बहुत हैवी डोज पे हंस रहा होता है, लेकिन जो ऑडियंस है उसका लेवल तो वही है। तो जब हम एक कोने में जाकर चंद लोगों के बीच में काम कर रहे होते हैं तो इतना डेवलप हो चुका, बल्कि ओवर डेवलप हो चुका होता है कि हमें बहुत गहरी बल्कि जूम आनी किस्म की बात करनी पड़ती है। तो ऑडियंस का लेवल वही है, ये छोटी छोटी सी बातों पर भी हंसते हैं, उसको इन्जॉय करना चाहते हैं। तो हमेशा तमाम वो लोग जो ये काम कर रहे हैं और थोड़ा सा गलत ट्रैक पे चले गए, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ का ख्याल रखें। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात की तुमने, वेरी गुड यार, शाबाश, बहुत अच्छी बात। ये आपका शेडो है थोड़ा सा, आपका आपकी रिफ्लेक्शन है। नहीं, रिफ्लेक्शन होनी चाहिए और नज़र आनी चाहिए, और उससे हमारे अंदर भी कई लोगों की आती है, हमने भी लोगों से डिसिप्लिन सीखा। मैं लेट आता था, इनको पता है, शहजाद साहब को, मेरी फितरत में था लेट आना, हर आदमी मेरे से लेट। और मोइन भाई को सख्त चिढ़ती मेरी इस बात से, पूछा बहुत सारे फनकार ऐसे हैं जो अब कि मुझसे मेरे साथ काम नहीं करते थे कि भाई ये रिहर्सल पर ही नहीं आते। फिर मैंने ये चीज़ें सीखी, फिर मैं आने लगा रिहर्सल में, फिर मैं बहुत पहले आने लगा। तो ये एक बात है जिसको मुझे सीखने को मिली। शहजाद बहुत टाइम का पाबंद था क्योंकि उसको पता था सबसे पहले लड़कियां आती हैं तो ये लड़कियों से भी पहले आ जाता था। बल्कि ये इतना लोगों को पाबंद कराने का कायल था शहजाद के, कई लड़कियों को तो लेता हुआ आता था रास्ते में कि चलो चलो मेरे साथ टाइम पे पहुंचो। वाह वाह, इतना टाइम की पाबंदी करवाता था ये। अच्छा, और ये पाबंदी क्यों होती थी? क्योंकि इसमें बंदी भी है ना, पाबंदी, बंदी, तो इसलिए पाबंदी होती थी। और जो लोग मैं, आपने ये बात कही कि आप लेट आते थे, लेकिन कुछ लोग हमारे फील्ड में ऐसे हैं जो ना सिर्फ लेट आते हैं बल्कि लेट जाते हैं। हाँ, लेट जाते भी हैं, लेट इसलिए जाते हैं। देखो फनकारों में प्रॉब्लम क्या होगी, मैं आपको, नहीं लेट जाते, लेट जाते हैं ना, वो किसी के आ गए लेट गए थक गए। हमारे तो ऐसे जानने वाले हैं किसी के घर गए दवाइयाँ मांग लेते हो जाके, देखो दवाइयाँ किसी के क्यों मिलेगी, कोई चाय दे देगा, कोल्ड ड्रिंक दे देगा, वो हमेशा मांगेंगे पैनाडॉल होगी आपके यहाँ, पैरासीटामोल मिले। अरे खुदा के बंदे, कोई कोई तरीका होता है। आप इसी किस्म के लोगों की बात कर रहे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, तो नाम लो ना शहजाद। देखिए, आपका नाम शहजाद तो नहीं है ना, आपका नाम तो काशिफ है, सॉरी मेरे मुँह से निकल गया कि नाम लो ना शहजाद। अच्छा, बाकी में कौन आपका आइडियल कौन रहा है कॉमेडी में? जब आप आए, कॉमेडी फितरतन होती है, देखिए मैं आपको बताऊँ, जरूरतन हो नहीं सकती है, जरूरतन आप करेंगे जचेगी नहीं, फितरतन होती है आदमी के अंदर, होता है वो एक टच। तो मुझे ये लगता है कि जो जुमलों बात से बात निकालना, मुझे लगता था ऐसा कि हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा, तो वो एक स्पीडी एक हमारा जो हम परफॉर्मेंस करते हैं, तो वो बचपन से ही था, कुछ खसूसियात होती हैं किसी में। लेकिन जब बाकायदा तौर पे इस काम में आए तो एक बार ऐसा हुआ, हम एक शो में गए तो वहाँ एक साहब थे, उन्होंने मुझसे पूछा यार आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं कॉमेडी करता हूँ। कहने लगे भाई किसकी करते हो, उमर शरीफ की या मोइन अख्तर की? तो मुझे ये लगा कि यार ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो फॉलोअर्स बन गए थे अपने तौर पे, और जब आर्टिस्ट को उरूज मिलता है तो उसकी कॉपी करने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो जो आर्टिस्ट की साख को भी नुकसान पहुँचाते हैं। तो उस वक्त मुझे ये लगा कि कुछ और चीज़ होनी चाहिए, कुछ अलग स्टाइल होना चाहिए। तो फिर हमने सोचा कि क्या करें, तो लहरी साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त स्टाइल था, जो वो जुमला तोड़ना जोड़ना, बात अपने तौर पर बनाना। आपको लहरी साहब से इंस्पिरेशन है आपको? जी हाँ, माशाल्लाह, बहुत ही, मतलब पाकिस्तान के अंदर एक अपनी नौयत के वाहिद फनकार हैं जिन्होंने अपना एक स्टाइल बड़ा अच्छा लेकर के आए, डिसेंसी। और दूसरी बात ये कि आप कह भी दें और पता भी ना चले, पता भी ना चले, ये बात है। बाज़ बातें लहरी साहब की हमें भी अब तक पता नहीं चली कि किसके मुतालिक उन्होंने कही। यकीन करें आप, वो इतनी जुमानियत में होती है, वो बात इतनी गहरी बात होती है कि कई शख्सियतों में जाके फिट हो जाती है। अच्छा, और इससे फ़ायदा हमें ये हुआ कि एक रीमेक हो रहा था उनकी फिल्म अंबर का, तो उसमें जो लहरी साहब वाला रोल था वो हमने किया था, बाप का रोल था। हाँ, तो उसमें बड़ा एक मज़ेदार जुमले थे वो नरीम साहब के और उनके, वो कहने लगे यार हमारी जान पे बनी है, आपको मजाक सूझ रहा है? तो कहने लगे मियाँ अगर अब्बा को पता चल गया तो पता नहीं क्या क्या सूझेगा। हाँ, लहरी भाई बड़ी खूब छोटी छोटी बातें होती है, बड़ी प्यारी बातें। बहरहाल काशिफ, तुम आए, बहुत खुशी हुई आपके तशरीफ लाने से हमारे प्रोग्राम में, बहुत रौनक रही, बड़ा मज़ा रहा, आप थ्रू आउट बैठे रहे, ये आपकी जो पार्टिसिपेशन थी ये आपके एक बहुत बड़ा क्रेडिट होता किसी आदमी का कि वो किसी प्रोग्राम में बैठा रहे, अपनी शमूलियत का एहसास दिलाए। बिल्कुल, और हम यहाँ पर मोहब्बतन इखलाकन मुरुवतन एहतियातन आए हैं, हम शर्मन हुजूरन
मजबूरन बेतकलीफन आपका शुक्रिया अदान करते हैं। जी जी, और हम भी शुक्रिया अदा करते हैं आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का, राहतों का, रफाकतों का, रकाबतों का, अदावतों का, साथों का, शुक्रिया प्यार का, इजहार का, इनकार का, इकरार का, तकरार का, इस बार का, उस बार का, आपके घर बार का, सारे परिवार का, और सबसे बढ़कर आपके बहुत सारे प्यार का। थैंक यू काशिफ, बड़ी मेहरबानी, आप आए बड़ी मेहरबानी, आप गए बहुत ही मेहरबानी, तुम आए बहुत प्यार, तुम गए हमारा ढेर सारा प्यार तुम्हारे साथ। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। मैं यहाँ प्यार देने और पीआर लेने आया था। वेरी गुड, आपने प्यार दिया, पीआर ली, लेकिन हम आपको दे रहे हैं तोहफे में शहजाद, जो आपको सिखाएंगे कि प्यार क्या होता है। अजीम तोहफा है ये, और पब्लिक में बैठ के ऑन एयर कैसे मोहब्बत की जाती है। मास्टर शहजाद। और अब मैं जिस खातून को बुला रहा हूँ, अब तो वो खातून लगने लगी है मुझे, किसी वक्त तो बड़ी प्यारी सी लड़की होती थी हमारे साथ जब काम करती, हम अभी तक लड़के हैं, वो खातून हो गई, और वो बड़े प्यार से यहाँ पर शिफ्ट लाएंगे। मैं चाहूँगा कि उनका जो इस्तकबाल है इस बेस पे करें आप, कि ये आप बिलीव करें कि कुछ ऐसे आर्टिस्ट होती थी जो हम रिक्वेस्ट करते थे कि यार इन्हें ज़रूर लें, उनमें से एक नाम ये भी है जो वीडियो की हिस्ट्री है उसमें इनका नाम भी लिया जाएगा। आपकी पुरजोर तालियां हमारी मेहमान हमारी खुशियों में शरीक होने के लिए आई, सलोमे। सबसे पहले तो आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। कोई बात नहीं, आप इसमें हैं। और मुझे आज उम्र आज से 30 साल पुराना उम्र लग रहा है। 30 साल काम इकट्ठे करते करते 30 साल तो हो गए। नहीं, ना नहीं, 7-8 साल हुए हैं। नहीं नहीं, 30 साल हुए, 7-8 साल हुए मुझे उम्र का। ना करो ना, क्या नहीं, नहीं, करना पड़ेगा, उम्र इतने यंग लग रहे हो तुम, मैं क्या बताऊँ, पता नहीं क्या क्या करके आए हो शो में, माशाल्लाह उम्र तो कितना यंग लग रहे हो, उम्र के लिए तो बहुत सारी क्लैप होनी चाहिए यार। यंग लग रही, मतलब 60 साल के हो के भी यंग लग रहे हैं। सलोमी, तुम इस वक्त एक बहुत बड़ा गुनाह कर रही हो। अल्लाह ना करे मैं गुनाह करूं। क्यों कर रही हो पता बता दो। मैं तुम्हारे जूड़े के ऊपर से जुए गिर गिर के खुदकुशियां कर रही हूँ। उमर, ये जूड़ा तो बहुत पुराना है। वही मैं देख रहा हूँ, ये बाल मैं कब से देख रहा हूँ। हाँ, तुम एकदम ही बना लेते हो यूं खड़क कर। हाँ। अच्छा, उमर के साथ बहुत अच्छा वक्त हमने गुजारा, और उमर सबसे बड़ी बात ये है कि पहले इंसान बहुत अच्छे हैं, बाद में आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सलाम। उमर से हमने बहुत कुछ सीखा है और अभी तक सीख रहे हैं। काम खैर कभी कभी अभी तो करना पड़ता है, बहुत काम किया है लेकिन बहुत अच्छा काम किया है। उमर हमेशा याद रहेंगे और हमारी दुआएँ आपके साथ है कि आप हमारे। नहीं सलाम, एक बात है मैं कहना चाहता हूँ, सलोमी ने जितना काम किया है ना, हम शायद उतना सलोमी को लौटा नहीं सके। मैं एक बड़ी सही बात कहता हूँ, इतना हम लौटा नहीं सके। हम जो हमारा फील्ड है वो थोड़ा सा सेल्फिश है इस मामले के अंदर, हम मैं इस बात का बाकायदा एतराफ़ करता हूँ। लेकिन मुझे खुशी है कि हमने जो बकरा किस्तों पे किया है वो मुझे सारी ज़िंदगी का क्रेडिट मिल गया उसमें। यकीन राइट बकरा किस्तों में सलोमी ने मोइन भाई के साथ इनका रोल था, मेरे साथ मेरी तो बेटी बनी हुई थी उसमें, और बहुत अच्छा रोल किया था। बकरा किस्तों में नहीं, तुमने हर ड्रामे में बहुत अच्छा रोल किया है। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा, मतलब अभी तुमने हमारा एक ड्रामा किया था, बड़ा आर्टिस्टिक ड्रामा था एक कदम, उसके अंदर तुमने कवि साहब की जो बेटी का रोल किया था, किया मार्वलस परफॉर्मेंस थी। यकीन करें कवि जैसा आदमी जो है ना वो देख रहे थे इसको, देख रहे, यकीन करें आप उनके क्लोज आए बीच में, वो बड़े गौर से सलोमी को देख रहे हैं, इतना खूबसूरत परफॉर्म किया था रियली मैं आपको। लेकिन उमर आपने लिखा इतना अच्छा था कि उसकी हर लाइन मुझे, जब मैं रीड करती हूँ स्क्रिप्ट आपका, जब भी मैं रीड करती हूँ तो रात को करती हूँ, तो जब मैं रात को रीड कर रही थी इसको तो वो लाइनें मुझे बोलती थी कि सलोमी तुमने ऐसा बोलना, वाह वाह वाह, ऐसा करना है, ऐसा बोलना है, तो वो मेरे दिमाग में ऐसा बैठा है करेक्टर कि मैं वो भूल नहीं सकती, वो मेरी ज़िंदगी का यादगार करेक्टर है जो मैंने आपके प्ले में। तुमने बहुत अच्छा किया था, रियली बहुत अच्छा किया था, बहुत ही अच्छा। सलोमी तुमने बहुत अच्छा काम किया टेलीविज़न पे, फिल्म, अपना क्या नाम है, स्टेज पे किया, मगर मुझे हमेशा एक बात की वो रही है
जिसे कहते हैं कि मैं हमेशा इस बात को सोचता हूँ कि आपको शायद कभी जिंदगी में जो तुम्हारे अंदर सलाहियतें हैं ना, क्योंकि हम लोग तो थिएटर करते थे और थिएटर में ऐसा रोल क्रिएट करना मुश्किल होता है, ये टेलीविज़न के लिए बहुत ईजी होता है कि वो कोई रोल क्रिएट करे। तो मेरा ख्याल है टेलीविज़न को अब भी जो है ना आप जैसे आर्टिस्ट चाहिए, परफेक्ट, जिनके अंदर परफेक्शन है जिसके अंदर, आप हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। बस आपकी नजरें करम। खातिन और हज़रात, ब्रेकिंग न्यूज़, गज़ाला जावेद ने शहज़ाद साहब को कहा पहले आप चले जाएं, आप हमारे बुजुर्ग हैं। 6 घंटे की मेहनत पे पानी फिर गया। मार्केट में ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है, एक यंग लड़की गज़ाला ने शहज़ाद साहब को बुजुर्ग कह दिया। सोचो जब गज़ाला बुजुर्ग कहें तो शहज़ाद कहाँ तक होगा। बहरहाल शहज़ाद गज़ाला, शहज़ाद का हाथ पकड़ के ऊपर आ जाओ। गज़ाला जी, बड़ी मेहरबानी आप तशरीफ लाई हमारे इस प्रोग्राम में। लम्हे उस माँ को सलाम के जिस माँ का ऐसा बच्चा हो, खुदा करे कि हर माँ को ऐसी औलाद दे जो कि उसका सदका जारिया बन जाए। और अल्लाह मियाँ हमारी औलाद को भी तुम्हारे जैसा नेक फरमा बरदार, क्योंकि मैं उमर को बहुत अरसे से जानती हूँ, मैंने देखा कि उमर अपनी माँ के लिए इतना प्यार करते थे, और मतलब कि खुदा करे कि मेरी औलाद तुम जैसी हो उमर। थैंक यू। शेर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर? मैं सबसे पहले तो जैसा सबने आपसे कहा कि मुबारक हो सालगिरह, तो आपको सालगिरह मुबारक। मैंने देखा है कि उमर शरीफ के वो दिन देखे हैं जब इनकी अम्मी हयात थीं, और माँ जो एक प्यार दे सकती है बच्चों को, मैंने वहाँ उसकी मकदार बहुत ज़्यादा देखी हमेशा। और उमर का जो प्यार था, मैंने इसकी मोहब्बतों से जो ये अपनी माँ से करते थे, बहन भाइयों से करते हैं और उनकी फैमिली से करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा मिला हूँ उमर शरीफ की अम्मी से। मैंने ऐसी माँ प्यार करने वाली नहीं देखी और ऐसी औलाद भी नहीं देखी जो सारी सारी रात और सारा सारा दिन सिर्फ माँ के लिए खड़े रहते हैं। बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी मोहब्बतें, और मेरी तमाम तर वो दुआएं जो तुम्हारी उम्र की बढ़ने के लिए हो वो तुम्हारे लिए। थैंक यू शहज़ाद, थैंक यू। अल्लाह करे कि सब लोगों की माओं का साया उनके सरों पे कायम रहे, जिस जिसकी माएँ अल्लाह उन्हें कायम रखें, और माँ एक तोहफ़ा इसकी कदर करें, ये चली जाती है तो फिर आपको एहसास होता है कि आप उसकी कदर भी नहीं कर सके। हालांकि हमारा क्या जाता है, अगर हम प्यार से माँ को देखें तो सवाब है। दो चीज़ों में अल्लाह ने सवाब रखा है, देखिए, सिर्फ देखने में और किसी चीज़ में, देखने में। एक कहा कि माँ को देखो तो सवाब है, और मेरे काबे को देखो तो सवाब है। ये एक ऐसी हसीन नेमत है अल्लाह की जो अल्लाह ने अंबिया को भी दी, यानी कि कितनी अल्लाह को अजीज़ होगी ये चीज़ कि अपने अंबिया को भी माँ दी उसने। कितनी अपने अंबिया को कोई अल्लाह ताला छोटी चीज़ तो नहीं दे सकते, नहीं दे सकते ना, तो माँ दी उनको भी माँ, कि ये है मेरा सबसे बड़ा तोहफ़ा। अंबिया को भी माँ दी उन्होंने कि तुम ये तोहफ़ा रखो, और उन्होंने संभाल के रखा माशाल्लाह। हमारे अंबिया इकराम, हमारे औलिया इकराम, हम कहीं भी चले जाएं, हम पैंतन पाक में चले जाएं, तो हम देखेंगे कि माँ ही सबसे मुकद्दस चीज़ है। तो अल्लाह ताला ने अगर मुझे उनकी मेरी ज़बान में रवानी या बोलने का एक और वजह भी बताऊँ कि जब मैं कभी बाहर प्रोग्राम में जाता था, अम्मी जिंदा थी, तो मैं जाते वक्त उनका पैर चाट के जाता था। मुझे कहती थी क्या ये गंदगी करता बदतमीज़, मैं कहता अम्मी ये देखना मेरी जबान ऐसी चलेगी रुकेगी नहीं। कहती अच्छा चल जा, पे इस नियत से कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अन्य पता क्या है, चिपचिपाड़ होगी, चल साफ कर इसको, कसम खुदा। हमेशा की ये बात मुझे उनकी याद, जब मैं बाहर जा रहा था ये करके जाता था। तो अल्लाह ताला ने उन्हीं की बरकतें हैं सारी, और आज हम यहाँ पर ये दिन मना रहे हैं, और ये उन्हीं का लगाया हुआ पौधा है। और मेरी दुआ ये रहती है हमेशा कि अल्लाह ताला मुझसे ऐसा काम ले ले, क्योंकि अच्छी औलाद, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सदका जारिया होती है। अगर मैं कोई भी अच्छी बात करूंगा तो इंशाल्लाह उसका सवाब मेरे वालदैन को भी मिलेगा। मैं भी मतलब, अबे क्या कितना बोलेगा तू, हर बात मिलेगी तो पता नहीं पानी बट रहा है यहाँ पे। देखिए माँ की अगर बात हो रही है तो देखिए दूसरों की माँ पे भी नज़र रखनी चाहिए।
उसके लिए हमने आपको रखा हुआ है, उसके लिए आप हैं। थैंक यू वेरी मच। और शहजाद जैसे दोस्त खुश नसीबों को हासिल होते हैं, इतना प्यारा दोस्त है शहजाद। मेरे सारे दोस्त बड़े प्यारे हैं। हमारी एक और, मैं चाहूँगा आप खड़े रहें, एक हमारी फनकारा बहुत झिझकती है, शर्माती हैं। हाजिर हजरात, क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम में सारे दोस्त, सारे फनकार, सारे साथी और कुछ लोग आपके ऐसे होते हैं जो हर मामले में शामिल होते हैं, एक टीम बन जाती है, ग्रुप बन जाता है, एक फैमिली बन जाती है, और आदमी उसको फिर वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि आपके अगर साथ में काम करने वाले लोग आपको एक इंस्पिरेशन दें, एक आपको हौसला दें, एक आपके साथ डिस्कशन बड़ी आला किस्म की रखें, और एक आपके साथ उनका ऐसा ताल्लुक़ हो जिसमें साथी फनकार ना हो बल्कि वो एक आपका बिल्कुल इस तरह से हो कि वो आपकी तमाम बातों को जहन में रखें, और अगर आपके जहन से निकल रही हो तो उन्हें बताएं, हमारी प्रोडक्शन में आप यकीन करें, मैं जिन्हें बुलाने लगा हूँ, कहानी हो, कोई और डिस्कशन हो, सेट का डिज़ाइन हो, कोई कॉन्सर्ट हो, कुछ हो, इसके मशवरे सबसे अच्छे होते हैं, सबसे हमदर्दाना मोहब्बत वाले मशवरे होते हैं। हाजिर हज़रात की बहुत सारी तालियां, ज़रीन गज़ल। आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। चलो बहरहाल, एक हम ये बात कह सकते हैं कि एक्चुअली जो सबसे बड़ी बात है वो ये होती है कि इंसान जो है ना, उसका आना ही बड़ी बात होती है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। आप लोग हैं तो ये सालगिरहें हैं, अदरवाइज तो क्या सालगिरह और क्या मोहब्बत और क्या खुशी, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी रही तो हम भी सबकी सालगिरह में इतनी मोहब्बत और खुलूस से आएंगे इंशाल्लाह, अगर आप बुलाएंगे, और आप लोगों ने बुलाया। अब मैं चाहूँगा कि एक आर्टिस्ट को बुलाने से पहले मैं चाहूँगा कि सब लोग जो है ना स्टेज पे हाजिर हो जाएं, तशरीफ़ ले आएँ, जितने फनकार हैं जो हमारी सालगिरह, प्लीज़ आए, तशरीफ़ ले आएँ।